कोलसा जो होता है, हम पहले जो वायरिंग करते थे उसमें माइका की शीट है, माइका का स्विच या सॉकेट लगाने के लिए विशेष आकृति प्रदान करने के लिए कट करने के लिए क्या किया जाता था, जो की होलसा होता है उसका प्रयोग करते हैं। छोटे छेदों को आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए माइका की शीट में या प्लाईवुड में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, एक छोटी आरी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है और 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। हेक्सा क्या होता है, पतली चादरों को काटने के लिए, लोहे की शीट को काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें अलग अलग भाग होते हैं, हैंडल होता है, इसकी ब्लेड होती है जिसे हेक्सा ब्लेड कहते हैं, और ये एडजस्टेबल भी होती है, जिसमें विंग नट होता है जो कि उसको एडजस्ट करने के काम में आता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।